हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय लवली डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग होगी थोड़ी सी खास और हटके, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था आपको कि इस टॉपिक पर रीडिंग लेके आएंगी। तो आज की टॉपिक का रीडिंग होने वाला है, आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि क्या आपके पार्टनर का मन आपसे भर गया है। हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है आपको वेट करते करते, लेकिन आपके पार्टनर आने का नाम ही नहीं ले रहे और आपकी इंतज़ार का जो सब्र है, सब्र का जो बांध है, अब वो टूटता जा रहा है धीरे धीरे। तो आपको भी समझ नहीं आ रहा अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं एंजल्स का नाम लेके। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। क्या आपके पार्टनर का मन आपसे भर गया है? क्या आपके पार्टनर का मन आपसे भर गया है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। दूसरा डेक यूज़ करेंगे हम। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी डेक्स है या फिर जो मेरे क्रिस्टल्स है, उन सभी का जो लिंक है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज़ बताइए, क्या उनका मन मेरे व्यूअर से भर गया है? शेयरिंग, ठीक है। कॉन्शियसनेस, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो करंटली ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ना जिस किसी बिजनेस में हो सकता है उनका खुद का कोई प्राइवेट सा सेटअप हो या फिर वो कहीं पे जॉब करते हों, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर भी वो हैं, वो ना अभी किसी डील में लगे हुए हैं, किसी डील को ओके करने में या फिर फाइनल सबमिट करने में या फिर उसको सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं किसी भी टाइप का जो टेंडर है वो उनके हाथ में आ जाए। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि अगर ये वाली डील सक्सेसफुल हो गई, इस वजह से मुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। जी हाँ, जो भी ये डील क्रैक करने की सोच रहे हैं, उसका रिजल्ट ये होने वाला है कि लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, मनी विल फ्लो इनटू देयर लाइफ। ये चीज़ वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर जो है इस वक्त पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके काम में लगे हुए हैं। मीनवाइल अगर मैं एक चीज़ देखूँ, मैं देख रही हूँ उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मतलब कि इधर से लड़ाई उधर से लड़ाई, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है मैं देख रही हूँ, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो सही चल रहा हो। हो सकता है उनके घर वाले जो हों वो बहुत ज़्यादा लड़ाकू किस्म के हो, उनसे बात बात पर लड़ते हों, मतलब वो कितनी भी मेहनत कर ले, उनको हमेशा उनसे शिकायत रहती है कि तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते, तुम हमारी बात नहीं मानते, ये सारी चीज़ें, तुम और पैसे लेके आओ। या फिर हो सकता है कि जो आपका वाला केस है उसे लेके उनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती हो और बहुत ज़्यादा लोग उनके अगेंस्ट हो गए हो। बंदा कितने टाइम तक अकेले लड़े, एक बात बताइए, प्रेशर में आके वो गिव अप कर ही देते हैं। तो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के पीछे भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं हाथ धो के, जो उनको बिल्कुल भी चैन से जीने नहीं दे रहे हैं और मेंटली उनको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ बॉन्ड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है किसी टाइप का कोई मेल हो, ठीक है, उनके फादर हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में एक ऐसा कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा एक मेल फ्रेंड सपोर्ट करते हों। डजेंट मैटर आप गर्ल हैं या बॉय हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ मैं बता दूँ, उनके जो फादर है ना, हो सकता है कि वो थोड़े बहुत कन्विंस करने लायक हो, मतलब आप भी जानते होंगे कि फादर्स को थोड़ा सा कन्विंस किया जा सकता है जब मदर का भी साथ हो, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ उनकी जो मदर है ना, वो ऐसा होने नहीं दे रही है। मतलब कि आपको ये पता था कि आपके रिश्ते में कुछ तो डिफरेंसेस हैं, एज का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, या फिर कास्ट डिफरेंस हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, लेकिन बात यह है कि ये कुछ भी डिफरेंस है ना, इसकी वजह से जो इसकी मदर है ना, वो आपको एक होने में अड़चन डाल रही है, क्योंकि वही मेन है। अगर आपकी घर की फीमेल्स ही नहीं मानती तो कहीं ना कहीं मेल्स भी कन्विंस नहीं होते। इनके फादर को भी उन्होंने ही भड़का दिया है कि नहीं, यहाँ पर रिश्ता नहीं करना है क्योंकि हमारी नाक कट जाएगी, ये सारी चीज़ें, कुछ भी हो आपके पर्सन की शादी आपसे नहीं करानी, ये सारी चीज़ें।
अब आपके मन में सवाल था कि मेरे पर्सन क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैंने आपको सिचुएशन बखूबी बता दी है। ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है और उनको बिल्कुल भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है, कैसे डीलिंग करनी है चीज़ों से। क्योंकि जितना भी वो कोशिश करते हैं, देखिए एक तरीके से वो बिज़नेस में ध्यान दे रहे हैं ताकि सक्सेसफुल हो जाए, थोड़ा खुद के लिए आगे कुछ मनी इकट्ठा कर पाएँ आपको अप्रोच करने के लिए। देखिए अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे ना तो आप ये पाएंगे ये मनी लेके ना कहीं जा रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो किस चीज़ की तैयारी है? ये आपके पास आने की तैयारी है। जी हाँ बिल्कुल, आपके पास आने की तैयारी है। ये देखिए ये क्या चाहते हैं, शेयरिंग, ठीक है शेयरिंग। और ये क्या है, इनकी मदर। तो ये चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से इनकी जो मदर है ना वो इनकी साइड आ जाए, इनके थ्रू कन्विंस ये करना चाहते हैं आपकी फैमिली वाले को। क्योंकि देखिए अगर ये जो मदर है ना जो बिल्कुल नहीं मान रही है, अगर ये कन्विंस हो गई ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से वो जानते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। तो कोई ना कोई वजह ऐसी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग जिसकी वजह से उनकी फैमिली भी कन्विंस हो ताकि ये आपकी तरफ आ सकें। तैयारी ये ऑलरेडी इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं। थोड़ा फाइनेंशियली अगर इनको सपोर्ट हो जाए तो ये स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, आगे की ओर आने का इनका मन भी करेगा, तब तो फैमिली भी फेवर में हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें वो चाहते हैं कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करें, इसके लिए हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटेंसिटी का मतलब है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए इस पर्सन के मन में। क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा दिल से आपके लिए फील करते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भरा हुआ है आपके लिए इनके दिल में, जो ये एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं लेकिन सही मौका आने पर। देखिए यहाँ पे खड़ा है कॉन्शियसनेस, मतलब कि वो अपनी फीलिंग्स को लेके बिल्कुल अवेयर हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है कि भले ही वो बाहर से किसी को कोई भी चीज़ ना बताएं, डिस्कस ना करें, ना दिखाएं, लेकिन अंदर से सिर्फ और सिर्फ वो आपको ही चाहते हैं। उनकी कॉन्शियस माइंड और उनकी सब कॉन्शियस माइंड उनको ये बताती है कि आपके अलावा ना वो जगह कोई ले पाया है ना ही ले पाएगा। आइए देखते हैं और क्या चल रहा है सिचुएशन में, क्या उनका मन आपसे भर गया है। ओके परसेप्शन, ओह माय गॉड सोलमेट, जी नहीं बिल्कुल भी नहीं। कन्फ्यूजन, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस। ये देखिए तो हमारे पास आंसर ऑलरेडी आ चुका है, परसेप्शन रिन्यूअल, हमारे पास आ गया सोलमेट का कार्ड, फिर हमारे पास आ गया कन्फ्यूजन, फिर आ गया एक्सेप्टेंस, फिर आ गया फॉरगिवनेस। बेसिकली उन्होंने जो गलती की है ना बहुत बड़ी, आपको छोड़ने की, आपको धोखा देने की, आपको छोड़ के चले जाने की, तो उस चीज़ को लेके ना उनके मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट भरा हुआ है। ठीक है, वो इसीलिए ना कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पास आएं और आप उन्हें एक्सेप्ट ना करें। ये सारी चीज़ें, ये सारा डर एक किस्म का ये है उनके मन में। देखिए वो आना चाहते हैं लेकिन ये जो कन्फ्यूजन के बादल है, जो डर के बादल है, जो ये सारी चीज़ें हैं उनको ना आपस में घेरे हुए हैं। देख रहे हैं आप, किसी तरीके से जकड़े हुए हैं, आगे आना चाहते हैं तो डर के मारे आते नहीं हैं। ये सारी सिचुएशन कन्फ्यूजन एन्जाइटी उनके मन में हमेशा चलती रहती है, क्योंकि एक तरीके से हर एक इंसान को पता होता है कि उन्होंने क्या किया है किसी के साथ, भले ही वो एडमिट ना करे। वो आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। ठीक है, जैसे ही आप उन्हें माफ़ करेंगे और आप उनको एक बार गले से लगा ले, आप दोनों के बीच में जो दोबारा से वो प्यार है, वो स्पार्क है, दोबारा से एक बार जाग जाए, ये सारी चीज़ें चाहते हैं वो। एक चीज़ और, वो आपके ना स्नेह को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपका प्यार जताना, आपको उनको हर चीज़ के बारे में बताना या फिर डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें। एक्सेप्टेंस, वो ये चाहते हैं किसी तरीके से जो लव एंजल से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं वो आपको भूले तो बिल्कुल भी नहीं है। उनका मन आपसे भरा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मन भर गया होता वो ये नहीं चाहते कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें, वो ये नहीं चाहते कि आप उनके सोलमेट की तरह हमेशा उनके साथ रहें, क्योंकि बस अब बहुत हो गया। वो यही चाहते हैं ना कि आपके साथ सेटल होना। अगर
उनका मन आपसे भर गया होता, वो ये नहीं चाहते एक तरीके से आप दोनों के रिश्ते की नई रिन्यूअल हो। साइड में जितने भी पेड़ पौधे सब सूख गए हैं, लेकिन ये इस पर फोकस करें आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तरीके से इसको ब्लेस किया जाए, दोबारा से वाटर करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ऐसा हो कि आप दोनों ना दोबारा से एक हो जाएं और दोबारा से आप दोनों के बीच में जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो चीज़ें दोबारा से आ जाएं, क्योंकि इनकी यही मर्ज़ी है, इनकी यही ख्वाहिश है, इसके अलावा ये कुछ भी सोचते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच में बताऊँ तो ये जनरली चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ पार्टनर की तरह ही, ये देखिए थर्ड आई, ये अगर सोते भी हैं ये उठते भी, हमेशा उनके मन में दिमाग में हमेशा आपका ख्याल चलता रहता है। ये देखिए ये है आपका चेहरा, ये किसी को बताते नहीं हैं, सोते वक्त भी ऐसा नहीं है ये चैन से सो जाते हैं, इनके मन में हमेशा से आपके बारे में ख्याल चलते रहते हैं और आप ही का थॉट्स इनके मन में हमेशा आता रहता है। रिन्यूअल भी आ गया यहाँ पे, देखिए परसेप्शन, जब ना पहले ये आपसे मिले थे या फिर जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ तो ये आपको बहुत अलग परसेप्शन से देखते थे, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी आपके मन में, ऐसा है कि नहीं? मिस्ड अंडरस्टैंडिंग के कारण एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती गई, कन्फ्यूजन्स बढ़ती गई, आप दोनों आपस में इसीलिए अलग हो गए, सेपरेशन में चले गए। लेकिन अब ये आपके लिए अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया इनका बदल गया है, तभी इनको आपकी भी साइड समझ आई है कि हाँ वो सही थे, अगर वो चीज़ कोई कर रहे थे मतलब मेरे भले के लिए, हम दोनों को रिश्ते से दूर ना होना पड़े इसलिए कर रहे थे और हमारा रिश्ता बच जाए। बट उन्होंने उस टाइम तो ये बात समझी नहीं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके आपसे कितनी रेजोनेट हुई है बता के ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी कल एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज रीडिंग में, जिसमें होंगे बहुत सारे लव मैसेजेस, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बोलूँगी गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।